हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। आज के क्लास में हम लोग नीट 2023 का कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसके हेल्प से जो स्टूडेंट लास्ट मिनट या फिर लास्ट मंथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट के लिए, वो इजीली निकल सकता है नीट का एग्ज़ाम। तो इसके लिए किस तरीके का स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखा है, तो एक एक करके मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से नीट 2023 को हम लोग इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नीट 2023 का जो स्ट्रेटजी बनने वाला है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट नीडेड थिंग इज चैप्टर वाइज रिविजन। चैप्टर वाइज रिविजन देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे और एक चीज़ आता है, चैप्टर वाइज रिवीजन पे सबसे पहले आता है कि यहाँ पे कौन सा बुक हम लोग देखें। देखो, जो कोई भी बुक हो, सबसे इजी बुक तुमको जो लगता है कि सबसे इजी बुक, ऐसा नहीं कि जो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो नहीं, तुमको जो सबसे इजी बुक लगता है उसको पढ़ो। जैसे कि मैं अगर नाम लेता हूँ NCERT, ठीक है, NCERT हो गया। जैसे कि फिजिक्स का अगर मैं लेता हूँ कि मॉडर्न ए बी सी, ठीक है, या फिर SL अरोरा का बुक्स, ओके। आप लोग जैसे कि इत्सी वर्मा का थोड़ा टफ हो जाता है, अरिहंत का कुछ पब्लिकेशंस हैं, अरिहंत उसका कुछ आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। जहाँ से आप लोग, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि चैप्टर वाइज रिवीजन में जो मेन कंटेंट है उसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मेन क्या आता है, मेन कंटेंट, ओके। MCQ में हम लोग बाद में जाएंगे, मेन कंटेंट को हम लोग फोकस करेंगे। इसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि नीट एग्जाम में हर क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, नहीं, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत इजी आता है। तो उस इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मेन कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, चैप्टर वाइज रिविजन। बुक ले लो, NCERT, मॉडर्न ABC, SL अरोरा या फिर आर्यन का कुछ MCQ जो बुक्स निकलते हैं वो सब पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे आप लोगों को मेन कंटेंट सॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखो, मेन कंटेंट पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। द रीज़न इज दैट पैटर्न, यहाँ पे क्या आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को पैटर्न। यहाँ पे जो पैटर्न मिलेगा, आप लोग पकड़ लो, सपोज बायोलॉजी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है या फिर केमिस्ट्री हो सकता है, तीनों का जो पैटर्न आप लोगों को मिलेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएगा। सो दैट इज़ वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज ले सकते हो, या फिर एज ए होल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर लेगा, समझो कि मोर देन 50% नीट सॉल्व हो गया, नीट आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज दैट डेली आप लोगों को 50 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। इसे होगा क्या, इसे होगा प्रैक्टिस, ओके। जितना प्रैक्टिस होगा, ठीक है, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आसान बन जाएगा सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस को। ठीक है, जितना सारा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उतना सारा, इसलिए मैंने एक नंबर यहाँ पे दिया, पर सब्जेक्ट आप लोग को एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रैक्टिस से आप लोगों को एक हैबिट बन जाएगा, ओके। तो वो हैबिट के कारण आप लोग इजीली निकाल सकते हैं नीट एग्जाम। नेक्स्ट इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं होता है। 3 घंटे का पेपर है, अभी थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है, 3 घंटा हो गया, उसे थोड़ा ऊपर है। तो टाइम मैनेजमेंट देखो, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा, फिजिक्स से आ जाएगा 45 क्वेश्चंस, फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 180 क्वेश्चंस, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि 180 मिनट, दैट मीन्स पर क्वेश्चन 1 मिनट चाहिए होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे निकालना है वो इम्पोर्टेंट है। देखो, यहाँ पे बायोलॉजी का जो पार्ट है, अगर हम लोग इस बायोलॉजी पार्ट को 1 आवर में ख़त्म कर लगे, ठीक है, कितना, विद इन वन आवर से ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए, तो आप लोगों के पास 2 घंटा बचता है 90 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो उस तरीके से सॉल्व करना, या फिर अगर आप लोग 1 आवर को कम करके 50 मिनट 40 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा
टाइम बच जाएगा। तो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा टाइम ले सकते हो, 2 मिनट करके ले सकते हो, 3 मिनट करके ले सकते हो एक न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट से। और एक बात आता है, ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आएगा? ओवरऑल जो टाइम मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। सो ये 5 की पॉइंट्स हो गया आप लोग के लिए। ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग देते हैं मॉक टेस्ट, तो ये जो हैबिट है वो हैबिट स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। जितना मॉक टेस्ट देंगे आप, अभी बात यह है कि मॉक टेस्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा, अच्छी तरीके का मॉक टेस्ट। देखो NTA का जो एप्स है, आप लोग प्ले स्टोर में मिल जाएगा NTA ऐप, उसको डाउनलोड करो, वहाँ से नीट वाला पोर्शन सिलेक्ट करो, या फिर अगर आप लोग JEE मेंस के लिए प्रिपेयर करो तो JEE मेंस के ऊपर बहुत सारा आई थिंक अराउंड 100 मॉक टेस्ट पेपर उन लोग दिए रखे हैं यहाँ पे NTA ऐप में, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करेगा। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ NTA से यहाँ पे दे रहा है, सो इससे बढ़िया मॉक टेस्ट आप लोगों को कहीं पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। फालतू दूसरे चीज़ों पर मत भागो, यहाँ से सॉल्व करो NTA ऐप से। आप लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूँ, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आते हैं एग्जाम में, अगर तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि NTA ऐप में सॉल्यूशन भी मिल जाता है, आप लोग एनालिसिस कर सकते हो कि इस पार्ट में कितना टाइम लिया, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब टाइम मैनेजमेंट कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? मॉक टेस्ट पे। तो आप लोग मॉक टेस्ट देने के बाद खुद एनालाइज कर पाओगे कि अरे मेरा तो सपोज 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है 3 घंटे में, तो मुझे और थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने खुद को कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आप लोग ये 5 पॉइंट्स दिमाग में बिठा लेते हो और हर रोज़ इसी 5 पॉइंट को अपने ऊपर लागू करते हो, ठीक है, तो ये नीट एग्ज़ाम 2023 बहुत ईजिली निकल जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि इससे बाहर और कोई स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकता। मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और सॉल्व कर सकते हो तो खत्म, 100% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नीट फुल्ली हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके एनालिसिस करोगे तो देखोगे कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ईजी है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जस्ट ऐसे ही पूछ लिया कंसेप्ट बेसिस, ठीक है, हार्डली 5 सेकंड में तुम लोग इसका आंसर निकाल सकते हो, पर उसके लिए कंसेप्ट जरूरी है। तो उसी कंसेप्ट को आप लोगों को मिलने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? चैप्टर वाइज रिवीजन पे। थॉरोली इसको प्रैक्टिस करो, मेनली NCERT या फिर कोई भी लूसिड बुक ले लो, कोई भी इजी बुक, एक ही बुक फॉलो करो। ऐसा नहीं कि हजारों बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही बुक फॉलो करो। NCERT अगर फॉलो कर सकते हो, इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, NCERT के साथ और एक बुक सॉल्व कर लो, पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो वीडियो है बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सो इसके ऊपर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।